बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। सीएसएस 2018 करंट अफेयर्स क्वेश्चन 7। डिस्क्राइब द कतर डिप्लोमेटिक क्राइसिस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द मिडल ईस्ट। हम बात करेंगे कतर डिप्लोमेटिक क्राइसिस जो हुए थे 2017 में और इसके मिडल ईस्ट पर मशरिक वस्ता पर जो असरात हुए, इसको अगर हम देखें तो इसमें आप कह सकते हैं कि 2017 जून में सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने और इजिप्ट, बहरीन और दूसरे अरब कंट्रीज़ ने कतर का जो है ना वो स्ट्रेटजिक और मॉनिटरी जो है बायकॉट किया, डिप्लोमेटिक बायकॉट किया। उन्होंने इल्ज़ामात ये लगाए कि जो कतर है वो एक तरह से ईरान के साथ क्लोज रिलेशंस बना रहा है जो कि इन स्टेट्स के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। इस तरह फिर उन्होंने इसको जो है ना ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जैसे जीसीसी है उसमें उससे भी इसका बायकॉट किया, ठीक है, और जो अरब लीग है उसने भी इसका बायकॉट किया। इस तरह से इनके साथ उन्होंने जो है ना हंगामी सतह पर सारे ताल्लुकात ख़त्म किए। तो अब इसमें हम फाइनेंशली देखते हैं कि वो क्या बायकॉट उन्होंने किया। फाइनेंशली द एमरजेंसी सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड कतर विच डिपेंड्स इंटेंसली ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम नेशंस दैट फोर्स्ड द अप्रूवल्स। तो इन्होंने इस तरह से इनके साथ बॉर्डर बंद कर दिया, हवाई सफ़र और समुद्री कनेक्शंस ख़त्म कर दिए और कतर के जो लोग थे उन्हें अपने मुल्कों से निकाल दिया। इससे बहुत सारी डिस्टर्बेंस हुई, जो आपस में ट्रेड एक्सचेंज चल रहा था वो डिस्टर्ब हुआ, स्पेशली फूड और डेवलपमेंट वेंचर्स जो चल रहे थे वो सारे बंद हुए। तो पीपल टू पीपल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई। सो एमरजेंसी लाइकवाइज हैड मोर इंटेंसिव एक्सटेंसिव टेरिटोरियल ग्लोबल रेमिफिकेशंस एज इट ब्रॉट अप इश्यूज अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द बे एरिया एंड कैपेसिटी ऑफ वर्ल्ड वाइड लोकल एरिया टू डिटरमिन क्वेश्चंस एंड एडवांस सिक्योरिटी इन द एरिया। इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई, जिससे चूँकि यूएस की भी काफ़ी सबसे बड़ी जो है इस मिडल ईस्ट में सबसे बड़ा यूएस का जो मिलिट्री सेटअप है वो कतर में ही है। सो ऑल इन ऑल द 2017 कतर स्ट्रेटजिक एमरजेंसी वाज अ सिग्निफिकेंट ओकेजन इन द मिडल ईस्ट दैट हैड क्रिटिकल पॉलिटिकल मॉनिटरी एंड वर्ल्ड वाइड रेमिफिकेशंस। द एमरजेंसी फीचर्ड द प्रोफाउंड divisions inside the Bay Area, the contending provincial interests of the various nations included, and the difficulties of settling debates and advancing soundness in the areas. So ये था इसका और मिडल ईस्ट पर जो इसके साथ हुए कतर डिप्लोमेटिक क्राइसिस के। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।